Now it's time to read another lesson of Oxford Progressive English for class 5. Okay, let's see what we are going to do today. Look at the unit 2, EPALS computers. Okay, first of all, EPALS. What is EPALS? EPAL means a friend to whom you exchange emails with. Okay, emails are modern kind of letters. In the past, there used to be pen pals. कलमी दोस्त इन्हें कहा जाता था, तो उन्हें खतूत का तबादला किया जाता था जिनसे कभी मिले नहीं होते थे दूर दराज रहने वाले, तो ख़तों के ज़रिए से उनसे रब्ता रखा जाता था. इन द सिमिलर मैनर ई पॉल्स लिंक ईच अदर विद इलेक्ट्रॉनिक मेल्स मीन्स ई मेल्स. Okay, here if you see yellow highlighted part, here we will cover few things. Computers and IT means the parts and the topic related to computer and IT and countries and nationalities and in grammar going to versus will. Okay, going to and will both are use of future actions. They are predictions about the future. Okay, now let's start reading. In simple meaning, EPALS are friends that you find on internet. Unit 2, lesson 1, listen and speak. Okay, there are a few dialogues between Judy and Nadia. Okay, what is Judy going to look for? What is she going to write about? Okay, she's going to write an email to Nadia. Okay, well, what Judy said, I think I'm going to look for an email, e-poll in Italy. Ab Judy kya keh rahi hai, mere khayal mein main talash karne ja rahi hu या मैं देखने जा रही हूँ एक एक ई पॉल यानी एक दोस्त इटली में. नादिया, व्हाट्स एन ई पॉल, यानी अब ई पॉल कौन होते हैं. जूडी, इट्स अ मॉडर्न काइंड ऑफ पेन पॉल, ये जदीद किस्म के कलमी दोस्त होते हैं. पीपल यूज टू राइट लेटर्स टू देयर पेन पॉल्स, लोग जो है यानी पुराने ज़माने में लिखा करते थे अपने दोस्तों को खत. Now, the email each other. और अब क्या करते हैं, अब खत लिखने के बजाय एक दूसरे को ईमेल कर देते हैं. ओके, इन द प्रीवियस वीडियोज आई थिंक आई हैव शोन यू हाउ टू मेल. ओके, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस माई इटालियन. अब जूरी क्या चाहती है, शी वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस हर इटालियन, यानी वो इटालियन लैंग्वेज की जो प्रैक्टिस करना चाहती है. यहाँ पे आपको कंट्रीज विथ नेशनैलिटीज भी नजर आएंगे. नादिया, साउंड्स इंटरेस्टिंग, यानी बहुत दिलचस्प है. व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट, तुम क्या लिखने जा रही हो. ज्यूरी, वी विल राइट अबाउट आर इंटरेस्ट एंड सो ऑन, यानी हम अपनी दिलचस्पियों के बारे में लिखेंगे और बहुत कुछ. वी कैन राइट अबाउट थिंग्स दैट वी डू डिफरेंटली इन आवर कंट्रीज, और हम उन चीज़ों के बारे में भी लिखेंगे जो हम अपने ममालिक में मुख्तलिफ तरीके से करते हैं. नादिया, बास्केटबॉल इज़ डिफरेंट अब्रॉड, जो बास्केटबॉल होती है यानी ये स्पोर्ट्स का नेम है, ये दूसरे यानी बाहर के जो ममालिक होते हैं या बाहर के जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे भी मुख्तलिफ नहीं है, नहीं एक ही तरीके से हर जगह पे प्ले किया जाता है. नादिया, आई गेस यू राइट. अब नादिया के जवाब दे रही है, सॉरी नो बट फूड इज, अब जूडी के जवाब दे रही है. ओके, अब जूडी के जवाब दे रही है, बेशक से फुटबॉल डिफरेंट नहीं है बट फूड इज, लेकिन खाना जरूर डिफरेंट है. एंड बर्थडेज आर डिफरेंट, और जो बर्थडे सेलिब्रेशन होती है तो वो भी डिफरेंट. एंड फैमिलीज टू डिफरेंट थिंग, फैमिलीज टू
थिंग्स डिफरेंटली, और जो ख़ानदान है वो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। अब नादिया क्या कह रही है, आई गेस यू आर राइट, मेरा अंदाज़ा क्या आप सही हैं, यू आर, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड एन ईपॉल, आप कैसे अपना यानी इंटरनेट का दोस्त तलाश करेंगी। जूरी आई हैव गॉट सम आइडियाज, मेरे कुछ ख्याल आते हैं, आई विल टेल यू आफ्टर हाफ टर्म, मैं यानी तुम्हें कुछ अरसे के बाद में या आधे टाइम पीरियड के बाद में बताऊंगी। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना चाहिए अब नादिया, गुड लक, ओके। अच्छा अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देखेंगे, टू लिखा हुआ है, लुक एट द टेबल एंड से हाउ ईच पर्सन इज गोइंग टू फाइंड एन ईपॉल। अच्छा अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंट्रीज विद नेशनैलिटीज जो है रिवाइज करवाऊंगी। इटली इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड इटालियन इज नेशनैलिटी, स्पेन इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड स्पेनिश इज नेशनैलिटी, ग्रीस इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड ग्रीक इज नेशनैलिटी और लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया इज नेम ऑफ कंट्री एंड ऑस्ट्रेलियन इज नेशनैलिटी, चाइना इज नेम ऑफ कंट्री एंड चाइनीज इज लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी टू, श्रीलंका इज अ नेम ऑफ कंट्री एंड श्रीलंकन इज नेशनैलिटी। ओके यू हैव टू विद द गिवन हिंट्स यू हैव टू राइट सेंटेंसेस विद देम, द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी डन फॉर यू, जूरी इटली आज हर मॉम इटालियन, ओके लुक एट द एग्जाम्पल, जूरी इज गोइंग टू लुक फॉर एन ईपॉल इन इटली। इन द सिमिलर वे यू हैव टू कंप्लीट अदर सेंटेंसेस, अदर फाइव सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी डन फॉर यू, ओके हाउ विल यू डू दीज सेंटेंसेस, ओके नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज डैन स्पेन and ask his teacher Spanish. Okay. How would you write them? Number two, look at the... Dan is going to look for any Paul in Spain. Number three, Tom, Greece. Ask the shopkeeper, Greece. Tom is going to look for an E-Paul in Greece. Number six, Sarah, Australia. Ask her teacher, Australian. Sarah is going to look for any Paul in Australia. Number third, Pavin, China. Write to her friend, Chinese. Pavin is going to look for any Paul in China. Number six, Imran, Sri Lanka. Ask the neighbor, Sri Lankan. Imran is going to look for an E Paul in Sri Lanka. Okay, like this, you have to do it or write it on a separate page. Okay, there are few questions. Question 4. You have to practice these with your family members. What are you going to do after this lesson? I'm going to read another lesson. What are you going to do after school? I'm going to take rest after school. What are you going to have for lunch or dinner? I'm going to have chicken, noodles in lunch or dinner. Okay, what are you going to do at the weekend? I'm going to play a match at the weekend. Okay, in a similar way, you can make many sentences like this, or you can practice it at home. These sentences at home. Okay, now look at page number 9. Here are some keywords here. You can see there are some keywords. Okay, that these all words are related to computer and IT. Printer, mouse, keyboard, internet, power supply. Okay, you type on a dash when you type. Okay, keyboard, obviously ki keyboard se typing ki jati hai. You solve your fingers and thumbs, not just two fingers. Number two, you get electricity from a dash power supply. Turn it off when you finish work. Number three,
यू यूज अ डैश टू मूव द फ्लैशिंग लाइन कर्सर, जो कि कर्सर कहलाता है, अराउंड योर कंप्यूटर स्क्रीन, माउस. नंबर फोर, प्रिंट योर वर्क ऑन द डैश. इट कैन प्रिंट पेजेस इन कलर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर. नंबर फाइव, टू सेंड योर ईमेल्स एंड फाइल्स कनेक्ट टू द डैश. यू कैन सेंड योर ईमेल्स, फाइल्स एंड पिक्चर्स डाउन द फोन लाइन. इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू से हम ईमेल मतलब सेंड कर सकते हैं. ईमेल्स आर इन एक्चुअल द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और इलेक्ट्रॉनिक लेटर्स यू कैन से. ओके, ऑन पेज नंबर 10 देयर इज अ स्टोरी अबाउट टू फैमिलीज. ओके, यूनिट 2 लेसन 3 रीडिंग द लॉस्ट कजिन. ओके, the two families indulge in a fight and they separate from each other, but their children love each other. We didn't choose the correct answer. Okay, ये इसके यानी ये बाद में आएंगे, तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले. अच्छा, अब इसमें से क्या क्या हमें यानी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे इस स्टोरी को पढ़ने के बाद. Who quarrel, लड़ाई किसने की, झगड़ा किसने किया. Quarrel जो होती है जो जिसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं होता, मारधाड़ नहीं होती है. ओके, लूसी एंड हर कजन एलिस. अच्छा, अब किस में लड़ाई हुई, लूसी और उसकी कजन एलिस में. लूसीज डैड एंड हिज ब्रदर एड, या लूसी के भाई और लूसी के डैड और उसके भाई एड में. अच्छा, अब यहाँ से हमें कंप्लीट आंसर्स मिल जाएंगे व्हेन वी रीड द स्टोरी. डिड यू गेट बर्थडे कार्ड फॉर वैलिस, कैट सर आस्ट. अच्छा, कैट इज लूसीज सिस्टर. शी इज आस्किंग अबाउट बर्थडे कार्ड. अच्छा, अब वो क्या पूछेंगे कि क्या आपको बर्थडे कार्ड मिला एलिस की तरफ से. नो, वर्स लक, यानी बहुत बुरी किस्मत. रिप्लाइड हर सिस्टर लूसी, यानी कैट की जो सिस्टर लूसी है वो जवाब देती है. आई डोंट नो हाउ she is or where she is. अब मैं नहीं जानती कि वो कैसी होगी और कहाँ होगी. We have the same birthday, हमारी एक ही दिन birthday आती है. So I couldn't send her a card either. मैं भी उसे कार्ड नहीं भेज पाई. You miss her, तुम उसे miss कर रही हो. Don't you, क्या ऐसा नहीं है. Okay. अब कैट पूछती है कि तुम उसे मिस कर रही हो, क्या ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स आई डू, यकीनी तौर पे मैं ऐसी कर रही हूँ, यानी मिस कर रही हूँ. एग्रीड लूसी, यानी लूसी भी कैट के साथ में मुत्तफिक हो गई. इट सीम्स रॉन्ग, बहुत गलत लगता है, दैट आई कांट सी माय ओन कजन, कि मैं अपनी ही कजन को नहीं देख सकती. अवेश अंकल एड एंड डैड वुड हैडन्ट क्वारल्ड. काश के अंकल एड और डैड की लड़ाई नहीं हुई होती है, झगड़ा नहीं हुआ होता. आई फील सो हेल्पलेस समटाइम्स, मैं कभी कभार अपने आप को बिल्कुल बेमददगार महसूस करती हूँ. कम ऑन सजेस्टेड कैट. अब कैट जो है उसे रिलैक्स होने का मशवरा देती है. आई एम श्योर देयर इज समथिंग वी कैन डू, कि हम कुछ कर सकते हैं. लेटर दैट इवनिंग, और बाद में उसी शाम को, लूसी वॉन्टेड टू आस्क हर मॉम सम क्वेश्चंस. लूसी ने अपनी मदर से कुछ सवालात किए अबाउट फैमिली, यानी ख़ानदान के बारे में. एट फर्स्ट शी हेजिटेटेड, शुरू में उनकी अम्मी थोड़ा सा हिचकिचाई. देन शी फाउंड द करेज टू स्टेमर, फिर स्टेमर का मतलब होता है हकला के बोलना, बड़ी मुश्किल से बोलना. फिर ऐसा सुन की जो अम्मी थी उन्होंने मतलब बोलना स्टार्ट किया कि नायास. ओके सॉरी, लूसी ने मतलब बोलना स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा हकला के बोली, मॉम कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कि मैं आपसे कोई सवाल कर सकती हूँ. वाई डिड डैड एंड अंकल एड स्प्लिट अप. अंकल यानी डैड और अंकल अंकल एड जो है वो क्यों अलग हुए. आई नो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, मुझे इतना पता है कि दोनों के बीच में बहस हुई थी अबाउट द बिजनेस को लेके. इट वॉज वेरी अपसेटिंग फॉर अस ऑल, स्नैप मदर. अब उनकी मामा ने फौरन क्या जवाब दिया,
कि हम सबके लिए बहुत अपसेट है, यानी उन दोनों में बिजनेस को लेकर झगड़ा हुआ था जो कि सबके लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। व्हाट वॉज अंकल एट डिसऑनेस्ट, क्या अंकल एट डिसऑनेस्ट थे, यानी बेईमान थे या बेईमानी करते थे। कंटिन्यूड लूसी, लूसी ने अपनी बात जारी रखी। वॉज ही ब्रेकिंग द लॉ, क्या वो कानून तोड़ रहे थे। नॉट, नो, नॉट एट ऑल, हरगिज़ नहीं, आंसर्ड मॉम, अम्मी ने जवाब दिया। बिगनिंग टू कन्फाइड इन लूसी, और लूसी को जो कॉन्फिडेंस में लेना शुरू किया। देर वॉज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट बिजनेस प्लान, यानी जो कारोबार के जो मंसूबे थे उसमें दोनों मुत्तफिक नहीं थे। अंकल एड वॉन्टेड टू टेक बिगर रिस्क, अंकल एड जो है वो बड़े रिस्क लेना चाहते थे। इफ ऑल वेंट वेल, अगर सब अच्छा जाता, वी वुड ऑल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, तो हम सब बहुत ज्यादा पैसा बनाते। बट इफ द बिजनेस हैड डन बैडली, अगर बिजनेस खराब जाता, वी कुड हैव लॉस्ट ऑल आवर मनी। We could have lost all our money, अगर यानी नुकसान होता तो हम अपना सारा पैसा खो देते। And this house too, और ये घर भी। So uncle had got very upset, और uncle got जो है वो इस disagreement की वजह से बहुत upset हुए and went away, और यानी दूर चले गए। Does dad miss him, क्या dad भी इनको miss करते हैं। Lucy asked softly, यानी Lucy ने बहुत नरमी से पूछा। I think so, मेरे ख्याल में। बट ही डजंट टॉक अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते, रिप्लाइड मॉम, अम्मी ने जवाब दिया। ओके, यहाँ पे हमें कुछ मिले, झगड़े की वजह हमें पता चली और झगड़ा किन के बीच में हुआ, तो हमें ये वाले रिप्लाई मिले, यानी ये जो स्टार्टिंग में जो पूछे गए थे। अगेन द स्टोरी कंटिन्यू, नाउ वी हैव फर्दर आंसर्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। आर द टू फैमिलीज गोइंग टू मीट अप, क्या दोनों फैमिलीज जो है वो मिलने के लिए जा रही हैं। इफ सो वेयर, अगर मिलने के लिए जा रही हैं तो कहाँ। अब देखें क्या होता है, फॉर अ डे और टू, यानी एक दिन के लिए, दो दिन, लूसी सर्च फॉर कजन्स नेम, यानी एक दो दिन की तलाश के बाद जो है लूसी ने अपनी कजन का नाम तलाश, यानी एक दो दिन के बाद लूसी ने अपनी कजन का नाम तलाश करना शुरू किया। इन द टेलीफोन बुक, टेलीफोन बुक में, फॉर द टाउन वेयर एलिस यूज टू लिव, उस टाउन यानी कस्बे में जहाँ पे एलिस रहा करती थी। बट विदाउट सक्सेस, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। देन शी हैड एन आइडिया, फिर उसे यानी उसके जहन में ख्याल आया। परहैप्स शी हैड द ईमेल एड्रेस, शायद उसको यानी उसके पास ईमेल एड्रेस हो अपने कजन की फ्रेंड ग्रेसी का। शी स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, उसने अपना कंप्यूटर यानी स्टार्ट किया। एंड ब्रोज थ्रू हर एड्रेस बुक, और अपनी यानी ब्रोज का मतलब होता है सर्च करना, और अपनी एड्रेस बुक में सर्च करना शुरू किया। नथिंग, कुछ भी नहीं। देन शी स्क्रॉल डाउन, फिर वो नीचे की तरफ स्क्रॉलिंग करते हुए यानी सर्च करते हुए आई। एंड नोटिस द फोल्डर कॉल्ड फ्रेंड्स, और एक उससे फोल्डर नजर आया जहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ था। यस, देयर इट वॉज ग्रेसीज, अब यहाँ पे ग्रेसी की पूरी ईमेल आईडी लिखी हुई है कि ये ग्रेसी की ईमेल आईडी है। और ग्रेसी कौन है, जो कि लूसी और उसके अलावा लूसी और एलिस की मुश्तरका दोस्त है। अच्छा, अब लूसीज फर्स्ट ईमेल बाउंस बैक टू हर, सो शी ट्राइड अगेन। अच्छा, पहली जो उसकी लूसी की जो मेल थी वो वापस मतलब आ गई, और फिर उसने दोबारा से कोशिश की। अब सब्जेक्ट उसका क्या था। अच्छा, ये सारा जो है हमें यानी जब हम ईमेल कंपोज करते हैं तो उसमें नज़र आते हैं। अब सब्जेक्ट, हाय ग्रेसी, डेट लिखी हुई है, और सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, सॉरी जी ऐसी है, ये सेंड फर्स्ट वन सेंडर एड्रेस है और ये रिसीवर रेसिपेंट है। अब ग्रेसी क्या कहती है, सॉरी लूसी क्या कहती है, यानी यहाँ पे हाय ग्रेसी, इफ़ यू हैव माई कज़न एलिस ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास मेरी कज़न ईमेल एलिस का ईमेल एड्रेस है, प्लीज़ कुड यू फॉरवर्ड दिस ईमेल टू हर, तो आप ये ईमेल उसे फॉरवर्ड कर सकती हैं। थैंक्स, लव, लूसी, यानी शुक्रिया और लूसी की तरफ से प्यार। डियर एलिस, वेयर आर यू, एलिस अब कहाँ हैं,
प्लीज सेंड मी योर ईमेल एड्रेस, होप यू हैव अ गुड बर्थडे, लव लूसी। अच्छा अब एलिस के लिए भी मैसेज भेजा बर्थडे का, ठीक है आप कहाँ हैं, और प्लीज मुझे अपना ईमेल एड्रेस भेजें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी अच्छी बर्थडे खुशी होगी और लूसी की तरफ से बहुत प्यार। अच्छा ये ईमेल थी जो कि उन्होंने एलिस को सेंड की, ताकि ये ईमेल ग्रेसी जो है, सॉरी ग्रेसी को सेंड की, ताकि ग्रेसी जो है ये ईमेल एलिस को सेंड कर सके, और इस तरीके से वो फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे को तलाश कर लें। द नेक्स्ट डे लूसी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम एलिस। दूसरे दिन लूसी को जो है एक ईमेल मिली एलिस की तरफ से, बिलो द हेडर वाज दिस मैसेज, और हेडर पे ये वाला मैसेज था, लूसी यू आर जस्ट ग्रेट, यू मैनेज टू ट्रैक मी डाउन। अच्छा अब वो क्या मेल में कहा जा रहा है कि अब तो बहुत असीम है, आपने मुझे तलाश कर लिया। आई वॉज सो हैप्पी व्हेन आई सॉ योर ईमेल, मैं बहुत खुश थी जब मुझे आपकी ईमेल नजर आई, सिटिंग इन माई इनबॉक्स, यानी मेरे इनबॉक्स में आई, यानी जो भी मेल, जो भी आप आईडी बनाते हैं जीमेल की या कोई सी भी, तो उसमें इनबॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें मैसेजेस सेव होता है, जो भी आपके पास बाहर से मैसेज आता है तो वो आपके इनबॉक्स में सेव होता है। आई वुड लव टू सी ऑल योर फैमिली अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके ख़ानदान को दोबारा देखूँ। आई विल स्पीक टू मॉम, मैं अम्मी से बात करूंगी और डैड से भी। वाई डोंट वी मीट अप फॉर लंच एट रेस्टोरेंट हाफ वे बिटवीन आवर होम्स। हम क्यों किसी रेस्टोरेंट में लंच नहीं कर सकते जो कि हम दोनों के, यानी दोनों के घरों से यानी आधा आधा रास्ता पड़ता है। हु नोज, कौन जानता है, मे बी आर डैड्स कुड फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, क्या पता कि हमारे जो वालिद हैं वो अपनी लड़ाइयों को ख़त्म करते हैं। टू डेज लेटर, और दो दिन के बाद में एट सपर, शाम के खाने के वक्त, यानी चाय का जो टाइम होता है, आफ्टर अ फ्यू प्राइवेट फ़ोन कॉल्स, कुछ फ़ोन कॉल्स के बाद में मॉम सजेस्टेड अ ट्रिप फॉर द फॉलोइंग संडे। तो अम्मी ने एक ट्रिप यानी आने वाले संडे पे फिक्स कर दिया, मतलब उसका एक मशवरा दे दिया। Lucy wants to visit an old friend. Lucy अपने पुराने दोस्त के पास जाना चाहती थी। She hasn't seen for some time, जैसे कि उसने कुछ अरसे से नहीं देखा था। We could all meet up for lunch. हम सब लंच में मिल सकते थे। I'm pretty busy on Sunday, said Dad. अब डैड ने क्या कहा कि मैं तो संडे पे बहुत बिजी होऊंगा। Please, Dad. अब वो डैड की मैं ना समाजत करती है। प्लेटेड लूसी, यानी मैंने समाजत करती है। शी एंड आवर सच गुड फ्रेंड्स, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे। ओके ओके एग्री डैड। इसके बाद में जो लूसी के डैड होते हैं वो एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। विश फ्रेंड इज इट एनी वे, कौन सी दोस्त है ये। आई मेट सम ऑफ देम, मैं कुछ से मिला हूँ। आई विल टेल यू अबाउट हर इन द कार। अब लूसी क्या कहती है कि मैं आपको कार में बताऊँगी। ऑन द वे टू लंच, जब हम लंच खाने के लिए जा रहे होंगे, अब लूसी ने कहा। अच्छा अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स जो कि आपने यहाँ पे और इस वाले पेज नंबर 10 पे आपने वर्ड्स पढ़े जब वो मेल को सेंड करने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ वर्ड्स पढ़े, तो उनकी मदद से आप लोगों को ये ब्लैंक्स को फिल करना है। यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट वर्ड हर ब्लैंक का लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है, और इससे किसी से कम्प्लीट करना है। द फर्स्ट वन, व्हेन यू ब्राउज थ्रू डॉक्यूमेंट्स यू लुक थ्रू them quickly, rose. You keep the names and email addresses of your friends in your address book. Okay, when you scroll up or down on a computer screen, you move the document up or down so that you can read it. Number four, you keep a group of emails in a folder on your computer. Number 5, if an email cannot be delivered, it is business bag and returns to the sender. Number 6, you can forward an email which you receive to another person. Number 7, the header an email includes
ऑन एन ईमेल इंक्लूड्स द सेंडर्स डिटेल एंड द टाइम सेंड. नंबर 8, व्हेन यू रिसीव एन ईमेल इट गोज इनटू द इनबॉक्स ऑन योर कंप्यूटर. Look at these exercises carefully and solving your book neat and clean. Okay, must see the portal. Inshallah, we'll proceed. Unit 2 next week. Allah Hafiz.